हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अवी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वी फार्मा के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में कि थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं और कैसे हम लोग को इन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो जो हमारा पहला सब्जेक्ट आता है वो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड है। इससे पहले हमने सेकेंड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो हमारा थर्ड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो फर्स्ट यूनिट आती है वो है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में। इसमें आपको बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की, बेंजीन के स्ट्रक्चर को देने के लिए कौन कौन से एविडेंसेज आए, कौन कौन से रूल आए, जैसे कि हकल्स रूल हो गया, फिर आपके बेंजीन को रिएक्शन कौन कौन से शो करता है वो, जैसे कि नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, ये सब। उसके बाद क्या क्या सब्सटूएंट का इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। उसके बाद DDT के बारे में, साइक्रीन, BSC एंड क्लोरामीन। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है उससे शॉर्ट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके यूजेस और स्ट्रक्चर बताइए। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो। उसके बाद इसमें जो हैकल इक्वेशन है इसी, ये लॉन्ग में पूछी जाती है। तो ये टॉपिक जो है इस यूनिट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले यूनिट की बात करते हैं, फिनॉल, एरोमेटिक अमाइन एंड एरोमेटिक एसिड। तो ये पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों ही टॉपिक से लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पूछ देगा एरोमेटिक एसिड के बारे में कि उसके रिएक्शन के बारे में बताइए, एसिडिटी के बारे में बताइए, और साथ ही साथ फिनॉल से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस यूनिट के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। हमारी तीसरी यूनिट आती है फैट एंड ऑयल। तो इसमें आपको इसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है कि फैट और ऑयल का कैसे कैसे रिएक्शन होता है, जैसे कि हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजिनेशन, सोपनिफिकेशन, रेसिडिटी। तो ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ शॉर्ट में आपको यहाँ पे ईस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू से लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स में। इसमें दो करके आपको पूछ लेगा कि आयोडीन वैल्यू और एसिड वैल्यू के बारे में बताइए। तो इससे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथी यूनिट है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो इस यूनिट से आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको पूछ लेगा नेप्थलीन के बारे में काफ़ी डिटेल में, उसके स्ट्रक्चर बताइए, रिएक्शन और मेडिसिनल यूज। तो इससे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगले यूनिट की बात करते हैं जो कि हमारी आखिरी यूनिट है, साइक्लोअल्केन। तो इससे जो थ्योरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी हो गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी और सच्चे मोअर थ्योरी हो गई। और उसके बाद लास्ट में आपसे यहाँ पे इसके रिएक्शन भी पूछ सकता है साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन के। तो इस यूनिट से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आप बुक दे सकते हो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। ये आपको थर्ड सेमेस्टर में नया सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने फार्मास्यूटिक्स पढ़ा हुआ है, तो इसमें हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको अफेक्ट कर देते हैं, जैसे कि रॉलेट्स लॉ हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसके लिमिटेशन। तो इस यूनिट में आपको ये पढ़ना होगा। अगली यूनिट है स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये टॉपिक हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं। तो इसमें आपको लिक्विड क्रिस्टल हो गया, ये ग्लासी स्टेट हो गया, ये सब क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। तो इससे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं बनते। उसके बाद तीसरी यूनिट है सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। तो इस यूनिट से आपको डिटर्जेंसी के बारे में पूछ सकता है, मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन के बारे में पूछ सकता है। इससे लॉन्ग में क्वेश्चन यहाँ आता है 7 मार्क्स में। अगली यूनिट है कॉम्प्लीएक्शन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। तो इस यूनिट में आपको कॉम्प्लीएक्शन के बारे में पढ़ना है और उसके क्या अप्लीकेशंस होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो इससे ये वाला टॉपिक आता है हमेशा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लीएक्शन, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। लास्ट यूनिट जो आती है इसमें फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में, वो है pH बफर एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है आपका बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन और साथ ही साथ बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं जो हमारा, ये कुछ बुक्स के नाम है आप देख लेना, मैं इसका PDF लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट आता है वो है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। ये भी हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट होने वाला है थर्ड सेम में। फर्स्ट यूनिट में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन, उसके इंपॉर्टेंस, स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में हम लोग ये सब देखने वाले हैं।
उसके बाद डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोपिक देखने वाले हम लोग, उसके बाद आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर, कल्टिवेशन ऑफ एनारोब, तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट या स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना, अलग अलग स्टेनिंग टेक्निक जैसे कि ग्राम एंड एसिड फाज स्टेनिंग टेक्निक हो गया। ये जो ग्राम स्टेनिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इक्विपमेंट इम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन, तो इससे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तीसरे यूनिट है हमारी स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी क्लासिफिकेशन एंड, इसमें हम लोग को फंजाई के क्लासिफिकेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ बैक्टीरियो स्टेटिक क्या होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं, ये शॉर्ट में इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद चौथी यूनिट देखते हैं हम लोग, तो चौथी यूनिट में क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एसेप्टिक एरिया क्या होता है, लेमिनार फ्लो ऑफ इक्विपमेंट क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा है मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक विटामिन और एमिनो एसिड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। आखिरी यूनिट की बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉयलेज, तो यही एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जिनको आपको अच्छे से देखना। अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं कि हमारा अगला सब्जेक्ट क्या है, तो अगला सब्जेक्ट हमारा है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना होता है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना होता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो कि होते हैं वो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, उसके बारे में पढ़ना होगा। जिसमें फर्स्ट यूनिट में हम लोग को फ्लो ऑफ फ्लूइड पढ़ना है, और साइज रिडक्शन कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, साइज सेपरेशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं, तो इन इक्विपमेंट्स को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे जो बॉल मिल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लॉन्ग में पूछा जाता है बॉल मिल क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे साइज सेपरेशन की बात करें, तो इसमें आपको वर्किंग एंड सीप सेकर के बारे में पूछ सकता है, और साइक्लोन सेपरेटर के बारे में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको हीट ट्रांसफर्स के बारे में पढ़ना है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, इससे शॉर्ट में फोर्सियर लॉ के बारे में पूछ लेता है, और ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, तो इससे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और इवेपोरेशन की बात करें, तो यहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर और उसकी इकोनॉमी के बारे में पूछ लेता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डिस्टिलेशन की बात करें, तो आपको स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में पूछ लेता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन हो गया, उसके बाद मॉलिकुलर डिस्टिलेशन, इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस यूनिट से। तीसरे यूनिट की बात करते हैं ड्राइंग और मिक्सिंग, तो इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, यहाँ इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली ट्रे ड्रायर स्प्रे ड्रायर से क्वेश्चन बनते हैं। वही मिक्सिंग की बात करें, तो सिग्मा ब्लेड मिक्सिंग हो गया आपका, डबल कोन ब्लेंडर हो गया, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगले यूनिट की बात करते हैं, जो कि हमारी चौथी यूनिट होगी फिल्ट्रेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिल्ट्रेशन में आपको इसकी थ्योरी काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा, और रोटेटरी ड्रम फिल्टर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं। और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ना होगा, तो इसमें आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो परफोरेटेड और नॉन परफोरेटेड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पूछ सकता है, कि इसकी प्रिंसिपल वर्किंग बताइए। उसके बाद जो हमारी आखिरी यूनिट है, इसमें आपको बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरिंग मटेरियल सेलेक्टेड फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि हम लोग को ध्यान में रखने होंगे जब भी हम लोग कोई फार्मास्यूटिकल प्लांट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके बाद थ्योरीज ऑफ कोरिजन और टाइप्स ऑफ कोरिजन, और साथ ही साथ उसके प्रिवेंशन के बारे में पढ़ना होगा। तो इस टॉपिक से आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो कि है हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, इसको बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते, ये भी एक एक्सटर्नल सब्जेक्ट है, तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। आप इसको सिंपली अगर आप समझ जाते हो कि इसका मतलब क्या है, तो आप इस सब्जेक्ट को काफ़ी आसानी से लिख सकते हो। इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना रहता आपको, जो ह्यूमन हमारी वैल्यूज़ होती हैं, मोरल वैल्यू होती हैं, बेसिकली उसी के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना रहता है, कि हारमोनी क्या होता है, हम लोग को किस तरीके से एक दूसरे से बिहेव करना चाहिए।
उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, हमारे फैमिली में कैसे हार्मनी बना रख सकते हैं हम लोग, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होते हैं। तो ये आप इस पे इसको आप बस समझ जाओगे तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो इसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वहाँ पे ये दिया हुआ है। उसके बाद कंटिन्यू हैप्पीनेस क्या होती है, प्रोस्पेरिटी क्या होती है, फिर नेचुरल एक्सेप्टेंस, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, ये शॉर्ट में पूछ सकता है आपसे। फिर हारमोनी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको समझ जाओगे तो आप इसका आंसर आराम से लिख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से इसको लिख सकते हो। तो इसका जो PDF लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ पूरे जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर के भी सिलेबस आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।